Hey guys, we are on the way to reach Dudhsagar Falls. तो यहाँ पे हमने एक जीप ली है. ये जो जीप है यहाँ पे गवर्नमेंट के साइड से एलोकेट किया जाता है, तो पर डे दूधसागर के लिए 400 जीप एलोकेट किया जाता है, जिसमें से मिनिमम 300 जीप हर डे दूधसागर फॉल जाती है. ऐसा इन्फॉर्मेशन हमें ड्राइवर ने दिया. आप देख सकते हो, जब भी आपको दूधसागर फॉल जाना हो तो यहाँ से आपको टिकट कलेक्ट करना पड़ता है, जिसमें इसमें भी क्यू है. तो यहाँ पे आपको जिप के लिए पेमेंट देनी पड़ती है, और जिप का जो पेमेंट है वो आपको 3500 रुपीज़ पे करना पड़ता है. यू कैन शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज वेल, तो आपको कम प्राइस लगेगा शेयरिंग में. तो नाउ आप जब भी जाते हो दूधसागर फॉल में, तो आपको ऐसे कुछ जंगल के व्यू में बहुत ही अच्छा अमेजिंग फीलिंग मिलता है. एक अलग से एडवेंचर आप फील करते हो. आप देख सकते हो अलग ही माहौल है यहाँ का, बहुत ही सुहावना और बहुत ही ब्यूटीफुल लगता है. आप ऐसे प्लेस में अगर जाना पसंद करते हो, मुझे तो बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं ऐसे एडवेंचरस और नेचुरल प्लेस में विजिट करती हूँ. ये जो आप देख रहे हो ये फॉल का वाटर है, जो कि बहुत ही अप है वो फॉल. वहाँ पे हम लोग ऑलमोस्ट पहुँचने ही वाले हैं. ये पूरा 12 किलोमीटर का जर्नी है, जिसमें से 1 से 1.5 घंटे लगते हैं हमें वहाँ पे प्लेस में पहुँचने के लिए, जहाँ से आप अब वॉक करके दूधसागर फॉल जाएंगे. यहाँ पे हमने 12 किलोमीटर का डिस्टेंस जो था वो कवर कर लिया है बाय जीप. अब यहाँ से हमें पैदल वॉक करना है. तो यहाँ पे आप देख सकते हो दूधसागर फॉल का ये मेन गेट है, तो यहाँ पे एंट्रेंस आप क्रॉस करते हो, तो यहाँ पे भी एक चार्जेस लगता है. आपको 100 रुपये का एक टिकट लेना होता है इस फॉल के अंदर जाने के लिए. ये सारा चीज़ गवर्नमेंट एलोकेट करती है आपको, गवर्नमेंट के साइड से ये जीप वगैरह है, तो वो सब भी गवर्नमेंट के तरफ से ही है, कुछ भी यहाँ पे प्राइवेट नहीं है. आप जब भी यहाँ पे जाते हो तो आपको एक लाइफ जैकेट भी दी जाती है, तो जीप वाले आपको लाइफ जैकेट पहले से दे देंगे. जहाँ से आप टिकट वगैरह लेते हो तो जीप वाला ड्राइवर ये सब कुछ एलोकेट करता है, सब कुछ मैनेज करता है. और जब भी आप ऐसे प्लेस पे जाएं तो मेक श्योर कि आपके पास एक एक्स्ट्रा कपड़े होने चाहिए, जिसमें कि आप फॉल में अगर नहा रहे हो, स्विम कर रहे हो, तो यू कैन चेंज योर ड्रेस. और शूज़ भी पहनना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत ही रास्ता आप देख सकते हो पूरा उबड़ खाबड़ है, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर यू. कि दूधसागर फॉल का टोटल जर्नी जो है, आप अगर मापुसा से निकल रहे हो दूधसागर के लिए, तो आपको टोटल 87 किलोमीटर आपको कवर करना पड़ता है दूधसागर फॉल जाने के लिए. तो गाइस, मैं पहुंच चुकी हूँ दूधसागर फॉल्स. आप देख सकते हो बहुत ही अप है, वहां से लेके पूरा डाउन तक और यहाँ तक फॉल्स आ रहे हैं. तो लेट्स कनेक्ट विथ मी. यहाँ से ट्रेन गई गुजरती है, आप देख सकते हो जो पुल है वहाँ से ट्रेन गुजरती है, और वहाँ पे ही वाटरफॉल है, जो वाटरफॉल का पानी पूरे यहाँ डाउन तक आता है. ये जो आपको ब्रिज दिख रहा होगा, यहाँ से ट्रेन गुजरती है.
और जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी, तो जी हाँ यहाँ से ट्रेन गुजरी हुई थी। तो फॉल्स में यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारे लोग यहाँ पे स्विम करते हैं, तो यहाँ पे आना और स्विम नहीं करना तो ये मज़ा नहीं आता। तो यहाँ पे आओ और ज़रूर यहाँ पे स्विम करो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अलग सी एनर्जी आपको मिलती है, बहुत ही अच्छा फील होता है। तो बट उसके लिए आपको एक सेट एक्स्ट्रा क्लोथ लेके जाना होगा, तो प्लीज़ मेक श्योर डोंट फॉरगेट दिस थिंग। तो जब फॉल्स से हम जब रिटर्न आए तो वी आर वेरी टायर्ड, तो हमने फाइनली डिनर का टाइम में ही बाहर निकले अपने होटल से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गए थे। और ये प्लेस बहुत ही रिलैक्स वाला और बहुत ही अच्छा है, अगर इफ़ यू आर फैट फिश लवर कि आपको अलग अलग टाइप्स के फिश ट्राई करने हैं, मस्ट गो दिस प्लेस। दिस इज़ रियली ऑसम प्लेस एंड यू विल ट्राई डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूजिन्स एंड डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिश वेराइटीज़ हेयर। एंड इसका जो डिस्टेंस है, आप अगर आप कलंगूट और बाघा बीच के पास रह रहे हो तो वो भी बहुत ही नियर बाय है, तो इसके लिए भी ये पॉपुलर है बहुत सारे प्लेसेस। एंड आई विल रेकमेंड इफ यू आर गोइंग दिस फैटफिश रेस्टोरेंट, सो मस्ट गो एंड डिनर टाइम, क्योंकि डिनर टाइम में एक अलग ही माहौल मिलेगा आपको, बहुत ही अलग अमेजिंग फील करोगे एंड इट विल बी टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस हियर। Hope you guys enjoyed this video. मैं मिलती हूँ next video में, तब तक के लिए bye bye, take care.